गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी पाठशाला के करेंट अफेयर डिस्कशन सेक्शन में, जिसमें कि हम लोग जो भी डेली करेंट एडिटोरियल आते हैं उसको डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या उसमें बातें हैं। उसके बाद जो करेंट अफेयर में जो टॉपिक्स हैं उसको एक बार देखेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो पहले शुरू करते हैं द हिंदू के आर्टिकल से। अगर द हिंदू के आज आप पेपर को देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो आर्टिकल दिखेगा कॉमन सिविल कोड पर। जैसा कि अभी कॉमन सिविल कोड के लिए जो लॉ कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगी हैं पब्लिक के, तो उस पर कई तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये अभी ये आते रहेंगे। अभी हम लोग वेट करेंगे कि क्या इस पर आगे बात आगे जाती है या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। अगर जाती है तो इसमें क्या चीज़ें किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में गवर्नमेंट लेकर के आएगी, तो उसमें एक ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ करेंगे। या कोई अगर यूसीसी का एक अच्छा आर्टिकल आता है तो हम लोग वहाँ प्रयास करेंगे करने का। तो ये जो पहला आर्टिकल है कॉमन सिविल कोड से लेकर के है, ये भी आता रहेगा इसमें। दूसरा है अ बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, क्योंकि आज के डेमोक्रेसी में जरूरी है कि हमें हर चीजों का इंफॉर्मेशन हो। हर चीजों का मतलब ये है कि जो चीजें गवर्नमेंट दे सकती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्कोर्स में अगर नहीं निकालना चाहती है, उसके अलावा जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पास हो सकता है। तो ये अच्छा आर्टिकल है। इसमें प्रपोज जो डिजिटल चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के एक अच्छा चेंज किया गया है, क्योंकि आज के डेट में आप सभी चीजों को अब डिजिटलीकरण से जोड़ना चाहेंगे। प्लस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की गई है, कई बार हम लोगों ने जिक्र किया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और इससे जुड़े हुए प्रावधान के बारे में। आगे भी अगर कभी कोई इससे रिलेटेड बात होगी तो हम लोग देखेंगे। यही है, इसी को आरटीआई के एक्ट के तहत थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। इस एक्ट की प्रावधानों को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी अगर इंफॉर्मेशन डेटा मैनेजमेंट प्रोटेक्शन बिल का आर्टिकल्स आते रहते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे। फिर ये जो न्यू ऑर्डर है, ये आपका जैसे विंबलडन में अभी एक यंगस्टर अल्कराज जीते हैं, उसको लेकर के है कि जो नडाल फेडरर और जोकोविच का जो युग था वो समाप्त होकर के एक न्यू ऑर्डर है। स्पोर्ट्स से है, अगर आप वनडे एग्जाम और देते हैं तो बस देख लीजिए कौन जीता है। इससे फिर आगे का यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी आपका नहीं है। फिर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपका रिस्क ऑफ स्मॉल स्टेट। आपने देखा होगा जो भारत में स्मॉल स्टेट्स हैं इनका हैवली रिलायंस, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि ग्रांट मिल जाएगा या उसके शेयर मिल जाएगा, वो या वहां से कुछ फंड आ जाएंगे तो चलेगा। तो ये भी एक है कि हम लोग स्टेट को, हम लोग तो सिटी की बात करते हैं कि म्यूनसिपालिटी भी धीरे धीरे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सिटीज हैं या छोटे जो स्टेट हैं इनकी डिपेंडेंसी जिस तरीके से केंद्र सरकार पर है, इसको देख करके लगता है कि चीजें उतने डाइवर्स नहीं है या उतने तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हुई है, तो हमको उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद जो ये आर्टिकल आपका ये देखेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट दैट हैव नो पैरेलल, तो ये आपका रिलेटेड है इंडिया और यूएस को। जैसे अगर आप WTO वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, क्योंकि दो देशों के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो इसे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं होता है। आपको इन सब डिस्प्यूट्स को आपको इंटरनेशनल स्तर पर नेगोशिएशन से, या बहुत कम हद तक है कि कोर्ट का सिस्टम है तो आपको मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही इन चीजों को सुलझाना होता है। तो ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है इसके ऊपर बात की गई है, जिसमें कि 6 डिफरेंट डिस्प्यूट्स की बात की गई है कि यूएस और इंडिया के बीच में। देखिए, जो डिस्प्यूट है खासतौर से ट्रेड को लेकर के, वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इस तरह की चीजों में, ठीक है। तो ये एक आपका है WTO के ऊपर, शायद डिस्प्यूट सेटलमेंट के ऊपर शायद लास्ट वीक में एक आर्टिकल था जिसके अंदर हम लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में बात की, जिक्र किया था कि उस बॉडी में अभी इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है तो वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो चीजें हैं। और ये जो पहला आर्टिकल है जिसको अभी तक मैंने छोड़ा है, ये अभी हाल में ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के बाद लौट रहे थे तो UAE में ये दौरा किए थे, और UAE में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था कि जो ट्रेड होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि रुपी और दिरहम में हो।
दिरहम क्या है, यूएई की लोकल करेंसी है, और रुपी क्या है, भारत की लोकल करेंसी है। इसका मतलब हम आपस में दोनों लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यूएई और भारत के बीच में ऑलमोस्ट 100 बिलियन का, अभी 100 बिलियन टच नहीं किया, बट ऑलमोस्ट 100 बिलियन का व्यापार देखने को मिलता है। और आने वाले समय में लक्ष्य है कि नॉन पेट्रोलियम को 100 बिलियन तक किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के एस्पेक्ट्स को हमको देखना है कि जब व्यापार होते हैं इस सब चीजों में तो क्या फायदा या क्या नुकसान होता है। तो स्टैटिक पॉइंट और इन सब चीजों पे आज डिटेल डिस्कशन करूंगा। ये आर्टिकल तो छोटा है, बट आपको इसमें डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको, इस लेख को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप समझेंगे। लेख का संदर्भ क्या है, ये तो आपने समझ लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका मतलब मैं इंडिया को लिख लूं, और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें क्या साइन हुआ है कि इंडिया की लोकल करेंसी रुपी और यूएई की लोकल करेंसी दिरहम, इनके बीच में क्या होगा, हम ट्रेड करेंगे। मींस जो हमारा ट्रेड सेटलमेंट है, ट्रेड सेटलमेंट आप समझ रहे हैं कि भाई व्यापार होता है, व्यापार होने के दौरान सबसे बड़ा चीज क्या है कि इनका भुगतान हो। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब ट्रेड हो रहा होगा तो जो ट्रेड हो रहा होगा उसका पेमेंट किस में करेंगे, अगर हम पेमेंट कर रहे होंगे तो रुपीज में करेंगे और दिरहम में करेंगे। ठीक है, हम अगर बेच रहे होंगे तो हमें दिरहम मिल रहा होगा, हमें कोई आ रहा तो हम रुपीज दे रहे होंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा ट्रेड है हम दोनों आपस में अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। अब ये क्या है, क्यों लोकल करेंसी को फोकस किया जा रहा है और क्या? तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो मनी के इवोल्यूशन में हर एक देश की अपनी एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब अपनी करेंसी है, जैसे भारत की अपनी करेंसी है, नेपाल की अपनी करेंसी है, इस तरह से सभी देशों की एक करेंसी है। सभी देशों के नहीं, कुछ देश जरूर नहीं करेंसी रखे, करेंसी है आज के डेट में, मैं ये मान के चलता हूं। तो जब अपनी करेंसी है, अब ये समझ के देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और ये मान के मैं चलता हूं, एक कोई फॉरेन कंट्री ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ यूएई को ही ले लेता हूँ ना, यूएई को ही ले लेते हैं, क्यों एग्जाम्पल दूसरा लें। अब है क्या कि अगर सामान, देखिए जब तक कोई ट्रेड नहीं हो रहा है तब तक पेमेंट की इशू नहीं आएगी, लेकिन ट्रेड तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया, ट्रेड धीरे धीरे बढ़ा, और अब जो ग्लोबल वर्ल्ड में है, अब के ट्रांजेक्शन सेवा को लेकर के, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा है। तो जब ट्रेड बढ़ा तो सबसे बड़ी बात है कि भी किसी भी वस्तु का लेन देन हो रहा है तो पेमेंट कैसे होगा, इस पेमेंट को सेटलमेंट के लिए। अब यूएई अगर आप रुपी लेके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, दिरहम मेरे पास अगर आज के डेट में इंडिया के बाजार में है तो मुझे थोड़ी कुछ मिल जाएगा। अब बात है कि तो ग्लोबल लेवल पे तो कोई करेंसी है ही नहीं, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे करेंसी नहीं है। अब यहां पास आता है यूएस, यूएस का लोकल करेंसी क्या है, डॉलर, मैं ये मान के चलता हूं। तो लोगों ने कहा, क्योंकि यूएस का आर्थिक रूप से इतना सशक्त है या इतना बड़ा बन गया था जब से ग्लोबल वर्ल्ड या जब से ये मॉडर्न युग जब से शुरू हुआ, यूएस यूनिपोलर बन गया था, तो यूएस के डॉलर को हमने कहा, देखिए अब हुआ क्या, इंडिया बोला कि हम दिरहम ले लेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज मेरे को ब्राजील को पेमेंट करना है, सपोज मेरे को चाइना को पेमेंट करना है, तो ये तो नहीं लेगा दिरहम ना। तब बात क्या हुई, इंडिया ने कहा आप ऐसा करो डॉलर दे दो मुझे, डॉलर ये लो ले लेंगे। तो ऐसा हेजोमोनी क्रिएट हुआ कि सब लोग डॉलर में एक्सेप्ट करने लगे। क्यों एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि डॉलर चल रहा है, आप चाइना को देंगे तो ले लेगा, ब्राजील को दे देंगे ले लेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है। अब मान लीजिए चाइना को यहाँ जापान को पेमेंट करना है तो इसे पता है कि डॉलर वो भी ले लेगा। तो एक ऐसी हेजमनी क्रिएट हुई कि डॉलर डिफॉल्ट रूप से क्या बन गया, एक वर्ल्ड की करेंसी बन गया, जबकि है नहीं, है वो किसकी, यूएस की घरेलू करेंसी है। तो इसके वजह से अनड्यू एडवांटेज यूएस को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी करेंसी वर्ल्ड करेंसी हो गई, तो आपको इन फ्लक्चुएशन, जैसे भारत में डॉलर का रुपीज में जो कन्वर्जन है वो बहुत मैटर करता है हमारे ट्रेड पर, यूएस के सामने ये प्रॉब्लम नहीं हुई। चल रहा था, सब चीज चल रही थी, डॉलर पेमेंट सब एक्सेप्ट करते थे। कोई किसी करेंसी एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे चलाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए
यूएई ने रुपीज ले लिया, मान के चलता हूं भाई हमारे अच्छे रिलेशन है, ले लिया, अब ये रुपीज को इंडिया से व्यापार करेगा तभी तो दे सकता है, अदरवाइज चाइना से, ब्राजील से, यूएस से व्यापार करेगा तो रुपीज में क्यों लेगा? ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। लेकिन अब जब क्या होगा कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मल्टी डायमेंशन में बढ़ना शुरू हुई, चीन का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ, इंडिया का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ, तो ये भी अपनी करेंसीज को धीरे धीरे करके फोर्स कर रहे हैं कि भाई हमारे भी करेंसी का इंटरनेशनल इंटरनेशनल हो, जिसके अंदर इसकी भी प्राथमिकता मिले, इसे भी व्यापार के अंदर ले। अब देखिए प्रॉब्लम दो चीजें हैं, जब तक कोई नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है, एक बार आप 10 15 20 कंट्रीज बड़े कंट्रीज को कर लेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिक ये रूट पकड़ लेगा, क्योंकि सबको पता है कि अब तो रुपीज में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? किसी एक देश को कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन अगर वही कन्विंसिंग पावर अगर 10 लोग 20 लोग को मैंने कर लिया तो आगे मुझे उतना मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी केस में क्या हुआ, अभी कई वर्ल्ड की करेंसीज इस तरह से चल रही हैं। इसी बीच भारत ने ईरान के साथ, रसिया के साथ, आपने पिछले न्यूज़ों में सुना होगा, क्योंकि उन पर होता क्या था, यूएस का प्रतिबंध लगता था, जैसे ईरान पर लगा हुआ है न्यूक्लियर वाले को लेकर के, और रसिया पे लगा हुआ है यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। तो इनको भारत ने कहा कि हम क्या करते हैं कि अपने रुपीज को कहते हैं, भाई इनको प्रॉब्लम है अभी, ये मजबूरी में बोला कि आप ना रुपीज में व्यापार कर लो मेरे से, तो वो फोर्स किया। बट यूएई पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पर कोई प्रतिबंध है, फिर भी हमने नेगोशिएट किया है, तो ये एक तारीफ के काबिल काम है। तो 15 जुलाई को क्या हुआ, एग्रीड हुए। अब देखिए रुपीज को कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा इधर से, आरबीआई, और इधर से कौन देखेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। ये लोग को बोला गया है कि आप इस ट्रेड सेटलमेंट के मैकेनिज्म को, फ्रेमवर्क को तैयार कीजिए, और अब जो व्यापार होगा उसको सुनिश्चित कीजिए कि इनके बीच में रुपी और दिरहम में चीजें आगे पीछे चीजें डिप। इससे क्या फायदा है, तो इससे फायदा क्या है समझिए, रुपी और दिरहम निपटान प्रणाली में भारत और संयुक्त अरब को कैसे लाभ है। अब जब पहले हो रहा था तो यहाँ एक प्लेयर कौन था, मान लीजिए मैं यहाँ पास लिख दिया इंडिया, एक यूएई, अब व्यापार किस में हो रहा है, डॉलर में, किसकी करेंसी है, यूएस की। तो अब क्या होगा, डॉलर का दिरहम में कन्वर्जन भी मैटर करेगा कि डॉलर का दिरहम में क्या चल रहा है विनिमय दर, और डॉलर का रुपीज में क्या चल रहा है विनिमय दर, ये भी मैटर करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक डॉलर की कीमत 80 रुपए है कि 82 रुपए है कि 85 रुपए है कि 100 रुपए है, ये मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर भारत, देखिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो भारत के अंदर हम रुपीस खर्च कर रहे हैं, भारत के बाहर फॉरेन करेंसी कर रहे हैं, तो ये मैटर करता है कि एक्सचेंज रेट क्या है, आपका विनिमय दर क्या है, अगर वो घटता बढ़ता है तो उससे आपके ट्रेड के कीमतों पर असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज का उत्पादन करता हूं, अगर मैं 100 रुपए में कर रहा हूं तो 100 रुपए में ही करूंगा, अब डॉलर 1 रुपए है कि 2 रुपए है कि 3 रुपए, मुझे क्या मतलब। तो एक्सचेंज रेट अगर 50 रुपए है तो मेरा प्राइस, मेरे जो सामान है उसकी कीमत 2 डॉलर, अगर 100 रुपए हो गई एक्सचेंज रेट तो उसकी 1 डॉलर, इसका मतलब मेरे वस्तु का प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन विनिमय दर के बढ़ने घटने से मेरे वस्तु का प्राइस विदेशी बाजार में बढ़ या घट सकता है। और यहां दो वॉलेटिलिटी हो गई कि हमको असर पड़ रहा है कि डॉलर और दिरहम का क्या कन्वर्जन रेट है और डॉलर और रुपीस का कन्वर्जन रेट क्या है, तब जाके हमारे ट्रेडर्स को फायदा। तो ट्रेडर्स तो ये काउंट करेगा ना, ट्रेडर तो सब कुछ देखेगा कि मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से अब क्या होगा, अब जो यूएस डॉलर का है वो चीजें हट जाएंगी और डायरेक्ट दिरहम में और किसमें होगा, रुपीज में कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द करेंसी सच एज यूएस डॉलर एज इंटरमीडिएटरी फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन, जो यूएस डॉलर की तरह कुछ करेंसीज थी वो जो इंटरमीडिएट का काम करती थी, बिचौलिए का जो काम करती थी, उन पे हमारा डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर जो हमारी भारी थी या उसके ऊपर जो हमारा एक तरह से हमें जरूरत थी, उस जरूरत में कमी आ जाएगी।
ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑल करेंट अकाउंट पेमेंट, करेंट अकाउंट पेमेंट और कैपिटल अकाउंट पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, ध्यान रखिए ट्रेड की जब मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड की, क्या इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बच्चे समझ सकते हैं कि ट्रेड करेंट अकाउंट के अंदर ही आएगा अंटिल एंड अनलेस मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं। अगर मैंने सिर्फ ट्रेड की बात की थी, विजिबल वाले के अंदर याद कीजिए बीओटी पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ये हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। तो करंट अकाउंट के ऊपर पेमेंट को लेकर के ये चर्चा है। कुल मिला के एक लाइन में समझ लीजिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब चीजें हो रही हैं तब पेमेंट को लेकर के ये बात है। समझ में आ गया। इसके बाद बोला कि ये जो करेंसीज हैं, अब क्या होगा कि हमारे टू कंट्रीज के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, यही चीज आगे लिखा हुआ है यहाँ देखिए, द ऑल करेंट अकाउंट पेमेंट, अ करेंट अकाउंट पेमेंट का मतलब जो भी ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे मैं सामान मंगा रहा हूँ, ये सामान बेच रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट टू कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टेंट एंड सर्टेन परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कुड बी सेटल्ड एज ईदर ऑफ रुपीज एंड दिरहम। क्या इन्होंने बात की कि करेंट अकाउंट पे तो हम दिरहम रुपए में कर रहे हैं, कैपिटल में भी कुछ हम क्या कर रहे हैं, जो करेंट और कैपिटल था उसमें भी हम कुछ हद तक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दिरहम और रुपीज में, क्योंकि याद रखिएगा हम कैपिटल अकाउंट पर सेलेक्टिव कन्वर्टिबल हैं, अभी हम फुल्ली पूर्ण तरीके से परिवर्तनीयता नहीं रखते हैं रुपीज का कैपिटल अकाउंट में भारत में। इसीलिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर, सर्टेन परमिटेड जो अलाउड है या जो परमिट किया हुआ है उस पर कुछ कुछ। क्लियर हो रहा? अगर आपने बेसिक पढ़ रहे हैं और ये चीजें समझ में नहीं आई हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा था पढ़ने के बाद एडिटोरियल्स आपको 80% समझ में आने चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि हम जब दो देशों के बीच में करेंट अकाउंट तो हो ही रहा है लेकिन कैपिटल अकाउंट में भी सर्टेन चीजें, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल है नहीं, इसलिए ये बात आ गई। ठीक है, तो इंटरलिंक करेंगे मैसेज सिस्टम, या आरबीआई और सेंट्रल बैंक कर लेंगे इसके ऊपर। फिर दूसरा क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी प्राइजिंग, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको एक बार समझ लीजिए, अमृत तो कैसे फायदा होगा, रुपीज दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दैट वुड हेल्प टू प्राइजिंग द टू करेंसीज इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा दिरहम के साथ रुपीज का क्या कनेक्शन है, ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ यूएई की करेंसी और हमारी करेंसी डिसाइड करेगी, ना कि डॉलर डिसाइड करेगा एक इंटरमीडिएट के रूप में। तो ये भी इसको आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया एंड एमिरेट बिजनेस वुड नीड टू फैक्टर द एक्सचेंज रेट रिस्क, अब इंडिया और एमिरेट्स के बिजनेसों को जरूरत नहीं है कि उस फैक्टर को, किस फैक्टर को, एक्सचेंज रेट के रिस्क को कोट करें या सप्लाई गुड्स में बायर में देखें, कैलकुलेट करना पड़ता है ना। मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूँ या एक्सपोर्टर हूँ, कैलकुलेट करूंगा कि रुपीज से डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर से दिरहम क्या हो रहा है, अच्छा मुझे कितना पड़ेगा, वहां के मार्केट को मैं कैप्चर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो रिस्क हट गया ना। तो ये बोल रहा है एक्सचेंज रेट रिस्क यहाँ पास हट गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए तो ये है क्या, अगर व्यापार बड़ा है तब तो बात ठीक है, अगर व्यापार बड़ा नहीं है तो आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। तो सेटलमेंट है, तो सेटलमेंट को समझिए कि भारत और यूएई के बीच में व्यापार बहुत ज्यादा अभी आपको देख बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ये थर्ड लार्जेस्ट हमारी व्यापारी पार्टनर रहती है इस समय। लगभग 2 साल पहले का अगर मैं डेटा देखूं तो $88 के आसपास व्यापार था। 2030 तक लक्ष्य है कि पेट्रोलियम को छोड़ के, पेट्रोलियम को हटा करके 100 बिलियन, 100 यहां नहीं, $100 बिलियन तक हम चीजों को कोशिश करेंगे पहुंचाने का अपने ट्रेड को। दोनों को फायदा होगा दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में एक हाल फिलहाल में ही एक साइन हुआ है जिसके चलते और व्यापार बढ़ा हुआ है, वो है ये सेपा। ठीक है, ये देखिए आप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि मई 2022 से ही इफेक्ट में आया है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जिससे कि भारत और यूएई के बीच में पहले से ही संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं, खासतौर से ट्रेड के उसमें। ठीक है, अब बोल रहा कि जो इम्प्लॉय उसकी है उसमें क्या जो पॉसिबिलिटीज है, आरबीआई इंडक्टेड और स्टेप्ड अप इन्वेस्टमेंट बाय यूएई फर्म, हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत है जो कि यूएई बेस्ड फर्म हमें ये पहुंचा सकती है। अदर पॉसिबिलिटी और क्या इसमें आपको मिलेगा कि करेंसी इंटरपोर्ट बाय इनेबलिंग इंडियन बिजनेस, कि जो करेंसी के रूप में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स रखने पड़ते थे वो नहीं रखने पड़ेंगे, जैसे रशियन सप्लायर के लिए हमें करना पड़ता था क्योंकि रशियन प्रतिबंध है, इसलिए ये वेस्ट एशिया के लिए हमारा
जो वेस्ट एशिया या उसका रीजन है अरबियन कंट्रीज का या वो जॉर्डन वगैरह का, वो हमारा एक दिरहम गेटवे हो जाएगा, क्योंकि वो दिरहम में व्यापार करते हैं, तो हम जब दिरहम में करेंगे तो उनके साथ भी ये सेटलमेंट कर सकते हैं आगे चल करके। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये ट्रिकोलियन स्टेट का पार्ट है। ट्रिकोलियन स्टेट आप समझिएगा कि अंग्रेजों ने नाम दिया था जो ओमान वगैरह के आसपास की जो अरेबियन पेनिनसुलर कंट्री है उसको। तो उस समय ना 1960 के समय में, ये पिछले बार भी शायद ये मुझे लग रहा है कि जिक्र हुआ था, 1960 के आसपास जो अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज और इंडिया में इस तरह की लोकल करेंसी में व्यापार होता था। बाद में क्योंकि इंडिया की भी पोटेंसी उतनी चली रही, उनकी भी नहीं रही, तो फिर व्यापार डॉलर में चला गया था। अब हम इसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं और चीजें यहाँ पास मिल रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके कुछ जोखिम है और लाभ भी हैं। तो हमें देखिए पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी मेकर कौन है, जो पॉलिसी बनाते हैं इन सब चीजों को, उनको इन चीज में थोड़ा सा रिस्क को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि आप अपने दो करेंसी के बीच में बात कर रहे हैं ना, तो दो करेंसी के साथ अभी भी आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि भारतीय रुपीस का अंतरराष्ट्रीयकरण या अंतरराष्ट्रीय प्रेजेंस बहुत मिनिमम है, तो वो एक बहुत मेजर रोल नहीं प्ले कर सकता। लेकिन हाँ, सरकार ने धीरे धीरे कदम इसको उठाया है, तो आप इसके एक्सचेंज रेट को देखते रहेंगे या जो रुपीज की वैल्यूज है उसको एक बार देखते रहेंगे, ऐसा ना हो कि आपको इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। ये चीजें हैं उसके अंदर। लाभ के बारे में हमने जिक्र कर दिया। आप रिस्क को अगर मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसको भारतीय सरकार ने भी देखा है, यूई सरकार ने भी देखा है, और इसी पर ये समझौता हुआ है। आगे आने वाले समय में इसके लाभ और हानि पर हमको स्पष्ट पता चल पाएगा। क्या आप यहाँ इस चीज को समझ पाए, इस ट्रेड वाले को? होपफुली मैंने अच्छे से आप लोग को ये चीजें क्लियर कर दी। चलिए अब जो भी क्वेश्चंस होगा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी के लिए मैं आप लोग को पीडीएफ, जो हम लोग का करंट अफेयर वाला सेक्शन है, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज के हमारे जो मेजर डिस्कशन के पॉइंट होंगे, होपफुली आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें पहला जो हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट है ना, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट में देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कहे जाते हैं, जूनियर एडवोकेट कहे जाते हैं, तो इनके पदनाम पे के ऊपर है कि किसको सीनियर कहा जाए, किसको जूनियर कहा जाए, क्या कोई साल है या कोई तरीका है निकालने का वो। फिर एक नीति आयोग का रिपोर्ट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है, इसके गरीबी के ऊपर, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। फिर तारा निर्माण क्षेत्र, कुछ स्टार का फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। रेडियो कॉलर जो हमारे चीताज के ऊपर लगाए गए थे, उसको रिमूवल की बात है, ये हम लोग देखेंगे। फिर न्यू स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भारतीय उसमें शामिल की गई नौसेना बेड़े में, उसको देखेंगे। और पूर्वी सागर में नौसैनिक अभ्यास हुए हैं, उसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो ये आपके अभी के डिस्कशन के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो पहला जो सबसे बड़ा आया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम, पदनाम क्या है? देखिए जो मुद्दा है वो ये है कि कौन सीनियर जज होगा और कौन जज नहीं, जज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कौन जूनियर एडवोकेट होगा सुप्रीम कोर्ट का। देखिए भारत में अगर मैं अगर हायरार्की वाइज सबसे खराब व्यवस्था कहूँ ना, तो वो जुडिशरी सिस्टम है भारत का। कोई सर पैर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक तरह से अगर आपने वकीली की है, आपने एक वकीली की है, आपके एक साथ एक वकील के लड़के ने, बहुत बड़े वकील हैं या जज हैं, उनके लड़के ने की है, टैलेंट कोई मैटर नहीं है, उन्हें बड़ा अच्छा मिलेगा, आपको खराब मिलेगा, ये ब्रूटल ट्रूथ है। आप इसे एक्सेप्ट माने या ना माने, ये सच्चाई है। और आपको हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सब कोर्ट होता है वहां भी ना मिले। टैलेंट यहाँ पास कुछ नहीं है, ठीक है, सच्चाई है, ब्रूटल ट्रूथ है। इसीलिए अपने आप लड़ते रहते, झगड़ते रहते, सरकार कुछ करती है तो कहते हैं कि हस्तक्षेप है। हुआ क्या है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से शीर्ष अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम को लेकर के है कि किसे वरिष्ठ अधिवक्ता कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, सब ग्रुपिज्म है। ये दिशा निर्देश 22 मई को न्यायमूर्ति एसएल कौस की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीश पीठ द्वारा एक डिसीजन सुनाया गया था, जिसमें 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले दिए गए थे, जिसके अंदर वरिष्ठ
अधिवक्ताओं के पदनाम को दिशा निर्देश करने की मांग की गई थी, उसके अंदर ही ये कुछ डिसीजन आया है, इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होते हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत है भैया। सीनियर होते कौन है वकील, सीनियर तुमको कहना है ना, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साल भी सीनियर रहेगा तो उसको एकदम घमंड रहता है हम सीनियर हैं, जीवन भर सर कहते हैं लोग, ठीक है, हम लोग भी अपने सीनियर सर कहते हैं, हमारे जूनियर भी सर कहते हैं, तो ये क्यों छोड़ दें। जो अब देखिए जो मुद्दा है क्या है, देखिए जो एडवोकेट एक्ट है, ये अधिवक्ता अधिनियम है 1961, इसकी धारा 16 याद नहीं रखना है। बात क्या है, इसमें दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा गया अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ता और कनिष्ठ अधिवक्ता, इंग्लिश में हो जाएगा सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट को कह दिया गया जो कानून के क्षेत्र में गहन ज्ञान रखते हो, एकदम डीप अंदर तक नॉलेज रखते हो, वरिष्ठ अधिवक्ता, और जिन्हें उतना और खासतौर से वो सिद्धांतों को बताते हो, विधि के शासन को स्थापित करने में योगदान दिए हो, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्रमुख मामलों में उनकी उन्होंने एडवोकेसी की हो, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये हो गया आपका सीनियर जज, सीनियर वकील, जज बार बार मेरे मुझसे कर रहा है, माफ कीजिएगा, सीनियर वकील, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी धारा के वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम को लेकर के आगे चल करके दिक्कत होनी शुरू हो गई। दिशा निर्देश क्या थे कि संबंधित न्यायालय, इस प्रावधान के अनुसार था कि संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश में को यह विश्वास होना चाहिए कि एक विशेष अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता का पद संभालने के लिए उपयुक्त है। मतलब क्या है कि मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को लगना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि फील कर रहे हैं कि ये बढ़िया वकील है, इनको बहुत नॉलेज है, ठीक है। कोई क्राइटेरिया है? नहीं, जैसे मैं कह दूं कि आईएएस चुनने के लिए जो इंटरव्यू पैनल है उनको ना फीलिंग आनी चाहिए किसी कैंडिडेट को देख करके कि इसको GS1 में 100 नंबर दिए जाए, इसको GS2 में 200 नंबर दिए जाए, बिना कुछ लिखे, वो वाला मैटर है यहाँ पास, तो इनको फीलिंग आनी चाहिए। फिर दूसरी क्या आनी चाहिए, संबंधित अधिवक्ता के पास असाधारण कानूनी विशेषज्ञता। अब ये असाधारण कानूनी विशेषता क्या है, कानूनी विशेषता क्या हो सकती है, कानून के बारे में नॉलेज, कानून का ज्ञान होना चाहिए। अब कौन एडवोकेट होगा जो बिना कानून के ज्ञान के जाएगा, आपके इसका मतलब आपकी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है। ऐसे अधिवक्ताओं को सहमति पहले प्राप्त की जानी चाहिए। फिर क्या, चयन केवल कानून के क्षेत्र में उसके ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जातिगत इंटरफेरेंस इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, या आप किसके पुत्र हैं ये मैटर नहीं करना चाहिए। बातें बहुत अच्छी यहां पर लिख दी गई, लेकिन कोई आधार बना नहीं, आधार बना कोई, एग्जाम कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता जो होता है ना वो अकेले उपस्थित नहीं होगा, अब उनकी टीम बन जाती है, उनकी टीम काम करेगी, तो इनकी जो छोटे छोटे काम होते हैं वो जूनियर काम करते हैं, वहां सीनियर नहीं करते, बस ये समझ लीजिए। छोटे छोटे चीजों में वो दखल हलफनामा तैयार करने की अनुमति नहीं देते हैं, छोटे संक्षिप्त ब्यूरो को निर्देश करना निषिद्ध किया गया है, उन्हें जूनियर वो करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से दलीलें दाखिल करने, मुवक्किल को प्रतिनिधि, ये मतलब अब लाट साहब बन गए हैं, अब इनके लिए सब इनका काम, जो जूनियर आते हैं साल दो साल वाले इंटर्न्स और अगर ये सब चीजें, वो मसौदा तैयार करते हैं, इनके लिए लड़ते हैं, जा किताबें लाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ गया, अब प्रॉब्लम आया, जब ये सब चीजें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आएगा, इंदिरा जयसिंह का मामला आ गया। इंदिरा जयसिंह के मामले में अब आपको समझना है, भारत की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, गलत बात है तो याचिका दायर कर दी। याचिका का उद्देश्य पद नामों की मौजूद प्रक्रिया को चुनौती देना था कि आप जो इस तरह से सीनियर जूनियर कर रहे हैं ये गलत है, आप एक अस्पष्ट रूप की नीति अपना रहे हैं, मनमाने ढंग से भाई भतीजावाद बताया, जो कि 100% ट्रूथ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, आपने देखा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तो इन्होंने इस चीज को केस किया। फिर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की, बोला कि आप जिस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट कर रहे हो ना वो क्राइटेरिया बता दो, जैसे यूपीएससी ने आईएएस को सिलेक्ट करने का बता दिया है, एक सीसेट का पेपर होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा, ये पेपर क्राइटेरिया बताया तब ना, अब पेपर में हम लोग गए पता चले चाइनीज लैंग्वेज डाल दिए, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उनकी याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की प्रक्रिया और उनसे सभी न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने का निर्णय किया, फिर बाद में एहसास हुआ कि बात तो सही है। फिर इंदिरा जयसिंह के मामले में फैसला किया गया, इसको एक बार देखिए।
इंदिरा जयसिंह के मामले के परिणाम स्वरूप एक अस्थायी समिति की भूई की एक अस्थायी समिति बनेगी और एक अस्थायी सचिवालय भी होगा। सचिवालय मतलब सेक्रेटरी जो इन कामों को ऑफिशियल रूप से करते हैं, सेक्रेटरी तो आप समझते ही हो। तो दो चीजें क्या हुआ, एक अस्थायी समिति का निर्माण और एक अस्थायी सचिवालय का निर्माण किया गया जब से इंदिरा जयसिंह ने केस किया उसके बाद ये डिसीजन आया। सचिवालय की भूमिका क्या होंगी, सचिवालय वो आंकड़े सदर्भ करते हैं, रिकॉर्ड रखने काम करते हैं, तो प्रासंगिक डेटा जानकारी के साथ पद नाम के भाई उस बारे में डिटेल बताइए, उसके बारे में सब कुछ आपको रखना है, ब्यौरा वगैरह, गैर रिपोर्टिंग संख्या शामिल थी। तो सचिवालय वाला तो आपको समझ में आ गया, उनके से काम करने के लिए एक सेक्रेटरी रख दिया गया। निर्णय के पदनाम प्रक्रिया और दौरान पालन किए जाने वाले विशिष्ट प्रक्रियाओं के मूल्यांकन मापदंडों को भी स्थापित किया गया। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया में कितना नंबर दिया जाएगा, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, वेटेज क्या रहेगा, वो भी क्लियर कर दिया। जैसे आपको एग्जाम देने से पहले पता रहेगा कि आपको साक्षात्कार में कितना वेटेज मिलेगा, ठीक है। फिर अब क्या है, ये कौन से दिशा निर्देश है जिन्हें केंद्र संशोधित करना चाहता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पद नाम के लिए फिर से कहा, बोला फिर से अभी गड़बड़ है भाई। तो अक्टूबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर एक मामले के जवाब में, जो दायर किया गया तो उस मामले के जवाब में बोला कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पद नाम, मतलब जो उनको टाइटल मिल रहा है, प्रदान करने को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जिसमें पद नाम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता की मांग की गई। ठीक है, अधिक पारदर्शिता बनाइए, कानून बनाइए। क्या कानून बना, अब इसको समझिए। कानून ये बना कि वरिष्ठ पदयोक्ताओं को नाथ के एक समिति बनेगी। ये समिति क्या होगा, इन्हें शक्ति दिया जाएगा, इनकी स्थापना होगी। समिति में कौन होगा, सीजीआई होंगे और दो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होंगे और बार काउंसिल, हर जगह एडवोकेसी में बार काउंसिल होते हैं, उस बार काउंसिल में से एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा। ये सदस्य मिलकर के इस समिति का निर्माण बनाएंगे जिसको ये शक्तियां दी गई। समझ में आ गया, अब कुछ क्लियर हुआ कि भाई एक समिति रहेगी, समिति का निर्माण इस तरह से होगा, ये समिति के अंदर ये लोग शामिल होंगे, कुछ क्लियरिटी आ गया। सीजीआई या कोई अन्य न्यायाधीश समिति के पदनाम के लिए किसी अधिवक्ता के नाम की सिफारिश कर सकता है, बताएंगे कि भाई फलाना आदमी को हम लोग को सोचना चाहिए। ये हो गया। दिशा निर्देशों में अधिवक्ताओं के लिए पदनाम आवेदन जमा करने के लिए एक सचिवालय बनाया गया, जो स्थायी सचिवालय की बात हुई थी वो सचिवालय बना दिया गया। सचिवालय न्यूनतम 10 से 12 कानूनी प्रैक्टिसेस के मानदंडों के आधार पर होता है, इसको बहुत ज्यादा हमको नहीं देखना। प्रक्रिया क्या अपनाई गई, प्रक्रिया ये अपनाई गई कि सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए, पदनाम के बारे में किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, अस्थायी सचिवालय हो गया, समिति के उम्मीदवार साक्षात्कार किए आयोजित किए जाने लगे, मतलब इंटरव्यू होने लगे, और वर्षों से अभ्यास निःशुल्क कार्य किया गया, निर्माण प्रक्रिया व्यक्तियों का मूल्यांकन करना शुरू किया गया, इसका मतलब एक अच्छे से काम होना गया, उम्मीदवार को नाम को मंजूरी दी जाने लगी, उम्मीदवार अगर पर्याप्त मत नहीं मिले मतलब समिति के अंदर तो उन्हें वरिष्ठ के नाम के रूप में फिर से दोबारा आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद वरिष्ठ न्यायालय को किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के वापस लेने का अधिकार भी था कि उनको अगर लगता है तो ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। फिर नई दिशा निर्देश क्या कहती है, 45 साल का एक आया कि 45 साल से कम को हम सीनियर नहीं कहेंगे, लेकिन ये फिर हुआ बाद में कि ये उम्र रिजिड नहीं होगा, तो बाद में देखिए यहाँ पर उम्र में छूट दी जा सकती है यदि वो किसी अधिवक्ता के नाम की सिफारिश करते हैं। तो 45 वर्ष रखे ही क्यों जब छूट दी जा सकती है, इसका मतलब कोई ऐसा स्पेशल केस आ जाएगा किसी का तो उसको नीचे से भी हम लोग, इसके नीचे भी हम लोग उसको सीनियर एडवोकेट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लूप होल रख दिया गया, भाई मान लीजिए किसी का कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किसी दूसरे ग्रह से आ गया तो वो 30-40 साल में ही या 40 साल में ही एकदम सीनियर बन गया तो बना दिया जाएगा, मतलब प्रावधान अभी भी है, समझ गए ना, कोई लीडर उडर लड़का रहेगा तो कर ही दिया जाएगा। फिर 2023 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के साथ पद नाम के लिए एक अधिवक्ता के नाम की लिखित रूप से सिफारिश कर सकते हैं, जबकि 2023 में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये प्रकाशन हुआ, फिर इसको 15 अंक हो गए कि 15 अंक यहाँ पास बांटे जाएंगे, अतिथि व्याख्यान के लिए 5 अंक बांटे जाएंगे, 40 से 50 अंक का व्यवधान दे दिया गया, मतलब कुछ कुछ नंबर दे दिए गए प्रक्रिया में और इसको कर दिया गया, ठीक है। तो ये है, इसमें ये लड़ाई है आपकी, सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट चलती रहेगी, खासतौर से अभी सरकार और इनके बीच में थोड़ा सा मुखर है। तो ये चीजें, ये आर्टिकल समझ में आ गया, पूरी पूरी क्लियरिटी आ गई, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम में बहुत कुछ चलता रहता है, इसको आप समझेंगे।